रहीम, बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का। मैं बेसिकली जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से मोहतरमा वजीर आला जो हमारी मोहतरमा मरीम नवाशी साहबा, उन्होंने एक प्राइस कंट्रोल के हवाले से टास्क फोर्स बनाई जिसकी मुझे पहले चेयरपर्सन तैनात किया तो 2 महीने पहले। तो उस सिलसिले में हम प्राइस कंट्रोल के हवाले से जितने भी हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं उसका जो एक टास्क फोर्स है वो विजिट करी है। और बेसिकली प्राइस कंट्रोल आप जानते हैं महंगाई से इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, और प्राइस कंट्रोल क्यों इतना अहम है और वजीर आला की अवलीन तरजीह में से तरजीहात में से एक है, उसकी वजह यह है कि जब भी आप बाहर जाएं तो हम किसी भी अपने आम शहरी से बात करें तो वो हमें कहेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई में भी एक बिजली के बिल और दूसरा खाने पीने की अशिया जो है ये दो बहुत बड़े मसले हैं। तो जहाँ पे आवाम का ये बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर ये वजीर आला की तवज्जो का मरकज है। तो इस लिहाज से ये ऐसी चीज़ है कि जिसको वो फिल फौरी एड्रेस भी करना चाहती हैं, और इसके ऊपर वो रोज़ आप सब जानते हैं कि खुद रिपोर्ट भी देती हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से नोटिस खुद देती हैं, और जिसमें आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 4-5 माह से आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिसमें सब डीसी साहिबान जो हैं और डीसी साहिबा जो हैं जहाँ जहाँ पर भी तैनात हैं वो आपको मुतहरक नज़र आते होंगे, और ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। अब उसके अंदर भी देखा जाता है कि जैसे उसमें इसेंशियल कमोडिटीज जो है वो उसमें आलू प्याज टमाटर आटा रोटी चीनी दालें चावल दूध मुर्गी का गोश्त जो है ये उसमें भी हमारी जो मेन मरकज जो है वो ये है यहाँ गल्ला मंडी में, और फिर वो आगे रिटेलर के पास आती है, और इस सारे हाथों में वो उसकी कीमत बढ़ती जाती है हर स्टेप पर, ये जितने भी स्टेप्स हम गिन रहे हैं। फिर अगर हम पोल्ट्री में चले जाएं तो फिर आप देखें कि पोल्ट्री में फार्मर है, पहले डे ओल्ड चिक होता है, फिर फीड की प्राइस उसको मुतासिर करती है, फिर फार्मर होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर भी एक ब्रोकर होता है, फिर उसमें सप्लायर होता है, फिर उसमें एक लोडर आ जाता है, फिर वो आगे आके रिटेलर के पास आती है, और ये भी एक पूरी चेन है जिसके अंदर चीज़ें। अब होता क्या कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं एक आइटम वो जब एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है तो वो दुगनी से भी ज़्यादा कीमत की हो चुकी होती है, ये एक हकीकत है। ये अगर हम सामने रखेंगे इसको मानेंगे इसको तस्लीम कर लेंगे तो हम इसके अंदर बेहतरी ला सकेंगे, क्योंकि हमारी नीयत ये है हमारा रिजॉल्व ये है कि हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उसके अंदर बेहतरी लेकर आनी है। इसलिए हम अगर इसको सिर्फ अंडर द कवर करते रहें छुपाते रहें तो वो शायद उससे हमारा मसाइल हल नहीं होगा, और ये सबको पता है, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है, कोई भी मंडी में चला जाए मार्केट में चला जाए उसका थोड़ा सा इस फील्ड से ताल्लुक हो उसको इन चीज़ों का पता होगा। तो मकसद ये है कि ये सारी बात करने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये सारी खोज लगाना इसलिए कि ये वजीर आला की हिदायत पर टास्क फोर्स ने ये काम करना शुरू किया पूरे सुबह भर में, और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पहले राउंड में हम जा रहे थे जिसमें आज जो साहिवाल हम आए हैं और इसी घर से आए हैं कि हम साहिवाल की जो हमने जैसे सब्जी मंडी का विजिट किया बाजारों का विजिट किया ओपन मार्केट का विजिट किया आपका जो यहाँ पे होल सेल है गल्ला मंडी की गल्ला की उधर होल सेल मार्केट है तो उसका विजिट किया, फिर हमने कुछ डीसी काउंटर्स भी देखे, कोशिश की कि एक फीलर लिया जाए कि शहर में क्या चल रहा है कीमतों के अंदर कितना फर्क है, फिर जारी बात है उसके बाद जो गवर्नमेंट का रेट निकलता है उसके अंदर भी कुछ इश्यूज हैं उसके हवाले से बाजू का बहुत ज्यादा शिकायत होती है वो एक सप्रेस रेट, और फिर जो मार्केट की कीमत में या उसमें अगर कहीं पे मिसमैच है उसको चेंज कैसे करना है उसका मैकेनिज्म कैसे फाल बनाना है इफेक्टिव बनाना है ये भी हम इस तरह की अभी एक काविश कर रहे हैं। फिर हाँ हमारे एंड से कौन कौन सी चीजें जैसे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की बहुत ज्यादा शिकायत होती हैं कि वो इतने ट्रेंड नहीं होते हैं वो ओवर फाइनिंग करते हैं, बहुत सी दुकानदार रिटेलर्स की ये शिकायत हमें मौसूल होती है, फिर वो क्योंकि एडहॉक पे ये है हमारे पास परमानेंट ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का, वो सारे कोई कोई लाइव स्टॉक से है कोई रेवेन्यू से है कोई फूड डिपार्टमेंट से है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करे होते हैं, तो बेसिकली उनकी भी ये प्राइमरी जॉब ही नहीं है, वो भी उनकी प्राइमरी और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ और है और वो ये एडहॉक पे 3 घंटे 4 घंटे का एक काम कर रहे होते हैं एक दिन में, जो कि दूसरी तरफ जो इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए क्योंकि अगर ये हमारी एक अवलीन तरजीह है। तो अब ये सारी आपके साथ बात शेयर करने का मकसद ये था कि हम ये सारे मसाइल तो सबको पता है लेकिन इसका हल क्या, तो हुकूमत ने हल भी देना होता है और जो वजीर आला जो है उनकी ज्यादा तोजो हल देने पर है कि इस तरह के जो मसाइल हैं उनको सस्टेनेबल हल देकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। आप में होने जा रही हैं वो पहली मरतबा होने जा रही हैं, और बिल्कुल एक जो आपने सुना होगा पेरा, एक जो प्राइस इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी,
क्या मिलाई जा रही है, जिसकी काबीना से मंजूरी हो चुकी है और जो लेजिस्लेशन के लिए असेंबली में पेश की गई है, और वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसके ऊपर जल्द उस पर लेजिस्लेशन होगी और उसके नतीजे में जो पैरा अथॉरिटी बनेगी उसमें डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स लाया जाएगा। ये वाले जो एडहॉक पे पीसीएम्स हैं ये खत्म हो जाएगा सिलसिला, और हमें एक परमानेंट, फिर उसको तहसील लेवल पर उसके एनफोर्समेंट स्टेशन बनाए जाएंगे, और फिर वहां पर उसके अंदर जो पहले मैजिस्ट्रेट का जो होते थे इख्तियारा वो दोबारा बहाल किए जाएंगे, जो समरी ट्रायल वाले होते थे उसको किया जाएगा। देखें जब हम फाइन की तरफ जाते हैं, और हमने देखा भी है ये, अभी ये अपने विजिट्स के दौरान भी हम लोग देखते हैं, जांचने की कोशिश करते हैं, जो फाइन है वो कोई बहुत अच्छा मुस्बत हल नहीं है। उसकी बजाय अगर आप देखते हैं कि कोई रिपीटेड वॉयलेशन है तो उसमें सील और एफआईआर शायद ज्यादा इफेक्टिव है, और उसके और लेकिन उसको करने का भी कोई तरीकेकार होना चाहिए। अभी वाले मौजूदा तरीके में उसमें भी गैप्स हैं, वो हम उसको उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से हम करना चाहते हैं, जो हमारी नीयत और सोच है। तो ये पेरा की अथॉरिटी बनाने का मकसद यह है कि सारे लूप होल्स जो इनको कवर किया जा सके और एक डेडिकेटेड फोर्स लाई जा सके और जिसकी तादाद भी ज्यादा हो। अब देखें एक जिले के अंदर 30, 34, 40, 45 पीसीएम्स हो रहे होते हैं, लाहौर जैसे बड़े इतने बड़े जगह पर 79 अब किए, तो वो बेसिकली अगर आप तनासुब देखें दुकानों का और पीसीएम्स का तो वो भी कम है। अब कई जगहों पे आम तौर पे अगर आप देखेंगे करियाना पर चून छोटी बड़ी सारी सब्जी वगैरह की, अगर मैं एक रफ एस्टिमेट दूं तो साहिवाल में 25 से 30 हज़ार दुकान तो होगी छोटी बड़ी सब मिला के, और सब्जी फ्रूट सब कैरी में मिलाकर 25-30 हज़ार होगी तकरीबन जितना इसका है। तो इसके लिए अगर 34, 35 से 40 लोग हैं वो आप उनकी पर पर्सन निकालें और एडहॉक पे अगर 4 घंटे काम करें तो शायद वो मॉनिटरिंग को उस लेवल पे हो नहीं सकती जिस लेवल पे जरूरत है। तो ये अथॉरिटी बनाने का मकसद ये था। दूसरी इसके साथ एक बहुत अहम चीज़ जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इदारा बनाया जा रहा है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इदारा बनाने का मकसद ये है, ये पहली मरतबा एक अहम काम होने जा रहा है कि हमारी जो इसेंशियल कमोडिटीज है वो जगह जगह पे मुख्तलिफ इदारों में इस वक्त है उनका है, जैसे कुछ लाइफ स्टॉक के अंडर आती हैं, जैसे पोल्ट्री है, डेयरी है, कुछ फूड डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, कुछ एग्रीकल्चर के अंडर आती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। तो ये सारी जगहों से उठाकर इनको इकट्ठा एक जगह पर किया जाए, इनका एक मैकेनिज्म बनाया जाए और डिमांड एंड सप्लाई को जो है वो मीट किया जाए, बेसिकली प्राइस कंट्रोल, यहाँ पर हम एक बेहतरी और चेंज ला सकते हैं। जब हम देखें आते हैं लेकिन अब की गई है कि वहाँ पर भी कम की जाए, क्योंकि आटा अगर बहुत सस्ता है तो वहाँ पर रोटी वहां पर भी सस्ती की जाए। ये तो थी बुनियादी चंद एक चीजें, और ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो इदारा है इसका मकसद यही होगा, जैसे अगर आलू प्याज टमाटर रहते हैं उसके पूरे साल की हमारी क्या डिमांड है, और उस डिमांड को मीट करने के लिए हमारे कब हमें पता हो कि हमारा आलू प्याज टमाटर कब पंजाब में उगता है। जैसे आलू में हम खुद कफील है, ये जहाँ मैं बैठी हूँ साहिवाल ये आलू का हब है, यहाँ पे आलू के स्टोर भी हैं, यहाँ से आलू पूरे पंजाब को सप्लाई हो रहा होता है यहाँ का आलू, और जैसे आलू पंजाब में उसकी ज्यादा जरूरत से ज्यादा है, हम दूसरे सूबों में भी भेजते हैं, लेकिन प्याज और टमाटर ऐसी कमोडिटीज है जो हमें बाहर से लानी पड़ती है। जैसे जून में गर्मी जब मौसम शिद्दत होती है यहाँ पर उसका सीजन खत्म हो जाता है, तो फिर हम बलूचिस्तान से अफगानिस्तान से भी लेकर आते हैं, फिर हम सिंध से भी लेकर आते हैं, केपी से भी लेकर आते हैं, तो वो पूरे साल में मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ जगह से जब आ रहा होता है तो उसमें रसद और तलब भी कहते हैं सब्जी की जुबान में। तो जब हम उसको मैनेज कर लेंगे और उसको फाल कर देंगे तो हम प्राइस कंट्रोल को सस्टेनेबल मॉडल में लेकर जा सकते हैं। फिर उसमें हम देखें, जैसे हमने अभी मैंने जिक्र किया कि दालें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि एक साल के अंदर हमारी कितनी खपत है दालों की, और जैसे हमारे यहाँ सारे ग्रेन्स मिलाकर पूरे पाकिस्तान की 2 करोड़ टन खपत है सालाना, उसमें से 50% सिर्फ चने की दाल खाई जाती है, और अगर चने की दाल जो हमारे यहाँ जितनी हमारी ज़रूरत है उसका कुछ 40-45% उगता है, बाकी बाहर से आती है। तो जैसे काला चना है वो कितना यहाँ पर होता है, कितना हमें बाहर से लाना पड़ता है, मूंग है, मसूर है, मूंग फिर भी यहाँ पर है लेकिन माश और मसूर जो है वो भी बाहर से आ रही है ज़्यादा। तो ये एक पूरी रिसर्च और एक पूरी स्टडी के साथ पूरे साल का एक निकाल करके हमें पूरे साल में कितनी खपत है, कब कब चाहिए, और उसकी इम्पोर्ट पॉलिसी क्यों होनी चाहिए सप्लाई को बैलेंस करने के लिए। आजकल आपने सुना होगा पिछले 1.5-2 महीने से चने की दाल बहुत महंगी हो रही है, मुसलसल महंगी हुई है बाजार में, इसका काफ़ी शोर है, जो अब पहले से कोई 20-30 रुपए कम आई है, लेकिन वो ये बढ़ने की वजह ये थी कि इसकी जो सप्लाई थी वो ऑन टाइम नहीं की गई थी, इसकी सप्लाई के अंदर एक डिप आ गया इसको, इसलिए वो उसकी जब सप्लाई कम हो गई, डिमांड हाई थी तो वो महंगी हो गई। अब क्योंकि दोबारा सप्लाई इसकी जो है वो हमने इम्पोर्ट कर ली है, तो अब जो इम्पोर्ट इसकी आती जाएगी बाजार में आएगी तो इसकी कीमत में बेहतरी आएगी।
माश की दाल जैसे आप देखते हैं कि वो उसमें काफी डिप आया, काफी पहले से कम हुई है, मूंग की कीमत कम हुई है, मसूर की कीमत कम हुई है, चावल जो है उसकी कीमत कम हुई है, ये इन सब जैसे हम जैसे सर्फ है उसकी कीमत कम हुई है, काली मिर्च बहुत महंगी थी उसकी कीमत में तकरीबन 600 रुपए की पर किलो कमी आई है। फिर जैसे हम लोग इस तरह की काफी जो ग्रोसरी की अगर आप चीजें देखें तो उनके अंदर एक खातर ख्वाह कमी हुई है, तकरीबन 10-12 ऐसी कमोडिटीज हैं। फिर जो मैदे से बनने वाली चीजें हैं उनमें एक इस तरह से भी कमी आई है कि जो बिस्किट हैं या जो बेकरी आइटम्स हैं जो पैक्ड आती थी कंपनी से, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट था उसमें अगर 6 बिस्किट होते थे तब 8 बिस्किट होते हैं, उसकी तादाद बढ़ा दी उन्होंने। तो इस तरह की भी हमने बैठकर उनके साथ निकाला कि जब अगर चीजें सस्ती हो रही है, फिर आपने आटे की देखा कि आटे की कीमत इस बार कितनी कम रही है, जिसकी वजह से हम पंजाब भर के तंदूरों पे रोटी की कीमत कम करने में कामयाब हुए। 20 रुपए की रोटी जो है वो 14 रुपए की, 13 रुपए की बाजू का मिल रही है, और ये तकरीबन अगर ओवरऑल आप देखें तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 90% से ऊपर है।